हेलो गाइस, वेलकम बैक। पिछले 2 साल की अगर हम बात करें, आईफोन्स की सेल इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। आप कमेंट करके बताइए इसके डिफरेंट रीजंस हैं। जैसे लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप फ़ोन को यूज़ करना चाहते हैं, ब्रांड वैल्यू, कैमराज भी मैटर करते हैं। एंड यहाँ पर फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पर भी कई बार काफ़ी अच्छे डिस्काउंट ऑफर आपको मिल जाते हैं। तो ऐसे में अगर आपके पास भी आईफोन है या फिर आईफोन अगर आप परचेस करना चाहते हैं, तो iOS के अंदर डिफरेंट टाइम पीरियड पर कई सारे इश्यूज भी आपको मिल सकते हैं। जैसे अगर आपका आईफोन फ्रोजन हो चुका है, स्क्रीन स्टक हो चुकी है, वाइट स्क्रीन, ब्लैक स्क्रीन, ब्लू स्क्रीन, आईट्यून्स लोगो पर स्टक हो चुका है या एप्पल लोगो पर स्टक हो चुका है, अपडेट इश्यूज अगर आपके फ़ोन में आ रही है, तो ऐसे 150 प्लस iOS, iPad OS, TV OS जैसे सिस्टम प्रॉब्लम्स जो कि आईफोन्स में, आपके आईपैड्स में आपको मिलते हैं, इनको आप यहाँ पर चुटकी बजाकर सॉल्व कर सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर का लिंक मैंने आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया। ये है टेनोशेयर का री आई बूट। इसके काफ़ी सारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर है एंड्रॉयड के लिए भी एंड यहाँ पर आईफोन के लिए भी। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। सबसे पहले अपने PC के अंदर आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको थोड़ा वेट करना है, इंस्टॉल में ये थोड़ा टाइम लगाएगा। उसके बाद जैसे आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, कुछ ऐसा इंटरफेस आपको अपने PC के अंदर आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। iOS सिस्टम रिपेयर का ऑप्शन है, इसके अंदर काफ़ी ऑप्शन है, वीडियो में आगे बात करेंगे। नीचे आपको 2 और ऑप्शन मिल जाते हैं। रिकवरी मोड में अगर आप एंटर करना चाहते हैं, आपका आईफोन यहाँ पर फ्रोजन हो चुका है, वो ऑफ नहीं हो रहा है बटन प्रेस करने के बाद भी, तो रिकवरी मोड में एंटर करने के बाद ये प्रॉब्लम आप फिक्स कर सकते हैं। या फिर अगर आपका आईफोन रिकवरी मोड में स्टक हो चुका है, वहाँ से अगर आप उसको ओपन करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ पर आप टैप करके इसकी हेल्प से इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम iOS सिस्टम रिपेयर पर टैप करेंगे, स्टार्ट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। इस पर टैप करते ही जो भी आपके आईफोन में प्रॉब्लम है, जैसे स्टक हो चुका है वाइट स्क्रीन, ब्लैक स्क्रीन पर, एप्पल लोगो पर, या फिर रिकवरी मोड में भी स्टक हो चुका है, तो बिना कोई डाटा लॉस के यहाँ पर 2 ऑप्शन बेसिकली आपको मिल जाते हैं। तो इसको आप समझिए, सबसे पहले स्टैंडर्ड रिपेयर, इसमें डाटा लॉस नहीं होता है। अगर ये ऑप्शन करने के बाद भी अगर आपका आईफोन में जो प्रॉब्लम वो सोल्व नहीं होती है, देन आप ट्राई कीजिए यहाँ पर डीप रिपेयर। इसमें डेफिनेटली चांसेस है कि आपके आईफोन की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर सोल्व हो जाए। बट यहाँ पर डीप रिपेयर के अंदर आपको ध्यान रखना है माइंड के अंदर कि आपका जो आईफोन का डाटा है वो यहाँ पर जरूर इरेज हो जाएगा, तो भी मैं स्टैंडर्ड रिपेयर से ही मोस्टली जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाती है। तो इसको टैप करके सिंपली स्टैंडर्ड रिपेयर पे आपको टैप कर देना है। इसके बाद अपना जो आईफोन है वो आपको अपना केबल के थ्रू PC के साथ आपको कनेक्ट कर देना है एंड आपके आईफोन का जो मॉडल नंबर आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास है आईफोन 8 से आईफोन 13 सीरीज़ तो यहाँ पर ये आपको सिलेक्ट करना है, ये सारे स्टेप्स आपको प्रोवाइड कर देगा। आईफोन 7 सीरीज़ है या फिर दूसरे पुराने सीरीज़ हैं तो यहाँ पर अदर डिवाइसेस में आपको टाइप करना है। लेटेस्ट यहाँ पर 14 सीरीज़ है तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। एंड आईफोन है, आईपैड है, तो वो भी ऊपर से आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो सिंपली आपको यहाँ पर जो पावर बटन है वो आपको प्रेस करना है, देन यहाँ पर वॉल्यूम अप बटन आपको प्रेस करना है, देन साथ के साथ ही वॉल्यूम डाउन बटन भी आपको प्रेस करना है। देन नेक्स्ट आपको जो पावर बटन है उसको आपको यहाँ पर होल्ड करके रखना है तब तक कि आपका जो आईफोन की स्क्रीन है वो ब्लैक नहीं हो जाती। उसके बाद आपको पावर बटन को फिर से होल्ड करके रखना है। देन अपना जो ये कुछ ऐसी स्क्रीन है, रिकवरी मोड में आपका जो आईफोन है वो यहाँ पर एंटर हो जाएगा। DFU मोड में एंटर करना चाहते हैं तो ये भी ऑप्शन नीचे आपको मिल जाता है। तो सिंपली आपका जो आईफोन है, मॉडल नंबर है, क्या वर्जन है, लेटेस्ट सब कुछ आपको इस सॉफ्टवेयर में आपको प्रोवाइड कर देगा। जो भी आपके आईफोन में प्रॉब्लम थी, जैसे कि आपका फ़ोन अगर स्टक हो चुका था एप्पल लोगों पर, वाइट स्क्रीन, ब्लू स्क्रीन, कुछ भी अदर इशू था, तो यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर वर्जन जो भी है आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना है अपना पाथ सेलेक्ट करके। तो सबसे पहले डाउनलोड कर लेना, आपको थोड़ा वेट करना है। डाउनलोड करने के बाद ये प्रोसेस अपनी कंप्लीट करेगा, तो पूरी प्रोसेस आपको ध्यान रखना माइंड में कि पूरी प्रोसेस यहाँ पर आपको कंप्लीट कर देनी है। बीच में कोई भी छेड़छाड़ आपको नहीं करनी है, आपके फ़ोन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो पूरी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद गाइज, अभी आप देखिए, वीडियो को थोड़ा स्किप कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। तो अभी आप देखिए यहाँ पर जो अपना आईफोन है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है बिल्कुल ईजिली। इसने यहाँ पर कुछ स्टेप्स के अंदर ही, इसमें आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट रहेगी क्योंकि फर्मवेयर को पूरा डाउनलोड करता है। अभी आपका आईफोन पहले की तरह यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है एंड आपका डाटा भी इरेज नहीं होगा। तो यहाँ पर गाइस इसको ज़रूर आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। बाकी अभी डिफरेंट सेल भी चल रही है, अप टू 70% ऑफ ब्लैक फ्राइडे सेल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके टेनोशेयर के डिफरेंट सॉफ्टवेयर आपको मिल जाते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। जो भी आपके डे टू डे लाइफ में काफ़ी सारे डिवाइसेस में प्रॉब्लम आती रहती है तो इसको परचेज कर सकते हैं। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताइए आपको ये सॉफ्टवेयर कैसा लगा। सो डेट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, जल्दी मिलेंगे एक और ऐसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।